का स्वागत है। मैं हां गगनदीप सिंह। प्रो पंजाब टीवी दे वल्लों कल रात एक खबर नशर की गई सी कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच दो व्यक्तियों नू नामजद किया गया है। तो दो ओ केड़े व्यक्ति ने और उन्होंने नाल हुण तीन होर नाम केड़े निकल के सामने आए ने, तां तुहानू दसदे हां कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच पंज लोकां नू नामजद कर लिता गया है। पांच लोगों नू सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच नामजद किया गया है और इस दे विच वड्डी हुण कार्रवाई हुंदी हुई नजर आऊगी। तीन होर लोगों नू भी जो है वह नामजद किया गया है। तुहानू दस दिंदे हां कि ज्योति पंडेर और कंवरपाल गरेवाल नू नामजद किया गया है। तो सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयान के आधार के उत्ते इन्हां नू नामजद किया गया है। कैनेडा दे विच जट लाइफ स्टूडियो नाम की म्यूजिक कंपनी है और 2020 दे विच कंवर गरेवाल उत्ते बलकौर सिंह उन्हां दे सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने FIR भी दर्ज करवाई सी गाना एल चापो लीक करवाउण दे मामले दे विच। तां कतल मामले दे विच हुण पंज होर व्यक्तियों के नाम ज्योति पंधेर, कंवरपाल, अवतार सिंह, जगतार सिंह ते जीवन जोत का नाम नामजद कर लिता गया है। तो वड्डी अपडेट इस वेले दे निकल के सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच पंजाब पुलिस दे वल्लों पंज लोगों नू नामजद किया गया है। नवजोत, ज्योति पंधेर, कंवरपाल, अवतार सिंह, जगतार सिंह ते जीवन जोत नू नामजद किया गया है। दो व्यक्ति ये जो दसे जा रहे ने ये ओ भी ने जिन्हां दे अपने घर के बाहर CCTV लगाए हुए सी और कहा जा रहा सी कि इस CCTV दी सिद्धू दी हवेली दी सारी फुटेज होमलैंड दे विच जा रही है। तो उन्हां दोवां नू भी जो है वह नामजद किया गया है। तो सिद्धू मूसेवाला के पिता की शिकायत के उत्ते ही इन्हां नू नामजद किया गया है। तो जिसका जिक्र सिद्धू मूसेवाला के पिता कर रहे सी कि कुछ गिरजा ने जिन्हां ने सिद्धू नू खराब किया है, जिन्हां ने सिद्धू नू उसके करियर दे विच शुरुआती दौर दे विच खराब किया है। तो उन्हां दा नाम हुण निकल के सामने आया है और सिद्धू मूसेवाला के पिता के वल्लों ये भी गल कही गई थी कि सिद्धू जो शुरुआती दौर दे विच कैनेडा गया सी तां उदों उसनू एक्सप्लॉयट करन दे विच भी इन्हां दा हाथ सी। उसका पहला गाना हालांकि जो लीक हो जाता है उस तो बाद उस दे नाल जो लोग मिलते ने वह फिर सिद्धू नू फोर्स करते हैं कि उसनू गाना जो है दिता जाए, उन्होंने ही गाना दिता जाए, इकरारनामा उन्होंने नाल करवाया जाता है और कहते कि जिहड़ी अर्निंग भी हुंदी सी उस दे विचों भी सिद्धू नू बहुत घट परसेंटेज जो है वह दिती जाती सी। तां सारे का सारा जो बेनीफिट है जो रेवन्यू है वह यही दो व्यक्ति खा जाते सी। तां ज्योति पंधेर उत्ते भी खास तौर के उत्ते इल्जाम लगते हुए यह नज़र आए हैं। तो वड्डी अपडेट इस वेले तुहानू दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच पंज व्यक्तियों नू नामजद कर लिता गया है। सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह दे वल्लों हाल ही दे विच कहा गया सी कि वड्डे खुलासे उन्हां दे वल्लों कीते जाणगे, समा आ लैण दो। तो वड्डे खुलासे कहिंदे करांगे कि किहड़े ओह व्यक्ति सी, किहड़ियां गिरजा सी जिन्हां ने मेरे पुत दा नुकसान कीता है। तो उसका ही जो नाम है वह हुण निकल के सामने आ रहा है। पंज लोगों नू नामजद किया गया है। तो जो FIR सिद्धू मूसेवाला दे कतल मामले दे विच दर्ज हुई है उस दे विच इन्हां लोकां नू नामजद किया गया है। तो कॉन्सपीरेटर्स यानी कि साजिशकर्ता दे तौर दे उत्ते इन्हां दा नाम जो है वह निकल के सामने आया है। कॉन्सपीरेटर्स दे तौर दे उत्ते इन्हां दा नाम जो है वह निकल के सामने आ रहा है। तो यह भी दस दिंदे आ कि इन्हां दे उत्ते भी हुण जो पुलिस की कार्रवाई है, रडार है, वह हुंदी हुई नज़र आऊगी। तो शुरुआती दौर दे विच सिद्धू मूसेवाला दे नाल इन्हां दा मेल हुंदा है। जट लाइफ चैनल जो है वह इन्हां दा हुंदा है जिस दे विच गाना लीक भी किया जाता है इन्हां दे वल्लों और सिद्धू मूसेवाला नू फोर्स भी किया जाता है कि वह अपने गाने जो है वह इसी चैनल के जरिए इन्हां तों रिलीज़ करवाए जाण। तो नाल ही तुहानू यह भी दस दिंदे आ कि पंजाब पुलिस ने जो नवीं चार्जशीट है उस दे विच इन्हां नू नामजद किया है। तो हुण एक कार्रवाई जिहड़ी है वह हुंदी हुई नज़र आऊगी। तो असी इस दे उत्ते होर वधेरी जानकारी भी लवांगे। साडे नाल साडे सहयोगी मनदीप जोतोणी भी जुड़नगे, उन्हां तों भी यह जानकारी लवांगे कि किवें इस पूरे मामले नू देखदे हैं, किवें इस पूरे मामले दे विच हुण अगे पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई नज़र आऊगी। तो किवें दा यह लिंक इन्हां लोकां दा सिद्धू मूसेवाले दे नाल सी, किवें सिद्धू मूसेवाला दे नाल यह लोग जुड़े और उस तो बाद क्यों यही इस दे वैरी बन गए। तो यह खास तौर दे उत्ते हुण अगे डिवेलपमेंट्स दे विच वेखण वाली गल रहेगी। तो वड्डी कार्रवाई इस वेले हुंदी हुई नज़र आ रही है। पंजाब पुलिस दे वल्लों इन्हां दो व्यक्तियों नू नामजद किया गया। साडे नाल मनदीप जोत लाइव दे उत्ते जुड़ चुके ने। मनदीप, पांच व्यक्तियों नू हालांकि कल प्रो पंजाब TV दे उत्ते ही असी जिक्र किया सी, नाम साडे कोल सी, पर असी जद तक साडे कोल पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई, सानू वो नहीं चीज़ पता चल पाई, तो असी उसनू नहीं नशर किया और हुण साडे कोल पांच नाम सामने आ गए ने। किवें वेखदे हो?
जी बिल्कुल गगन, क्योंकि कल आपां जदों ब्रेक कीती है तां उदों भी आपणे कोल नाम जिहड़ी लिस्ट सी, पर आपां जिहड़ा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल हुंदियां कुछ चीज़ां तां करके जिहड़े ऑब्जेक्टिव आपां जिहड़ी न्यूज़ ब्रेक कीती तां इह सुभाविक सी क्योंकि पंज जणिआं दे नाम जिहड़े कीते ने नामज़द, तां हुण इक होर नाम जगतार मूसा उही आ गगन जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दे पिता जदों दसदे ने कि सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी आ उन्हां दे सामणे इक घर लग्गिआ है, घर दे उपर सीसीटीवी कैमरेज लगे ने, ते उन्हां दी जिहड़ी फुटेज है उह उन्हां दा बेटा जो होमलैंड दे विच रहिंदा था जगतार मूसा, इह होमलैंड दे विच रहिंदा ते इस दे कुछ गाने भी आए हुए ने, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਚਹਿਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਚਹਿਲ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਦਾ, ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਕਣਵ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ FIR 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਸਟਾਈਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਗਾਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 47 ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਲਕ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਗਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ 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 ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਗਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਮੀ